आज हम लोग के सबसे चैलेंजेबल क्या बात है, छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने में बहुत तकलीफ होती है, हम कर नहीं पाते हैं, जिसमें होम्योपैथी बदनाम होती है, होम्योपैथी बोलते देरी से काम करता है। तो पहले हमें समझें, ये कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है, प्रायः सबको प्रॉब्लम है। पेशेंट आता है पहले ही बोलेगा कि मेरा दस्त सफा नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन है, और वो बोले मैं कॉन्स्टिपेशन मेरा ठीक हो जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे ठीक करेंगे, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, अब मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक ध्यान से सुने, और अगर ठीक से ये कर लेते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन एक भी फेल नहीं होगा, ठीक है। पहले तो समझिए कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन इज ए कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वेयर द पर्सन हैज डिफिकल्टी टू पासिंग स्टूल्स और डजन शो लेस फ्रीक्वेंटली एज यूजुअल। इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्ट ड्राई स्टूल, इनफ्रीक्वेंट बॉयल मूवमेंट, यूजुअली फ्यूअर देन 3 times per week। द स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफेक्शन कॉन्स्टिपेशन कैन ओकर ओकेजनली और बिकम ए क्रॉनिक डिपेंडिंग एज ए कॉज इन ए ड्यूरेशन। कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक भी होगा, कई सालों से उसका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन अच्छे से एकदम पूरा याद करके रख लो, मेडिसिन समय से। पेशेंट अगर एनीमा लेता हुआ आ रहा है कि कई दिनों से वो खाली एनीमा पर है, तो आपको क्या दवाई सोचना है, सिर्फ दो दवाई सोचना है, ओपियम और सल्फर, ठीक है। अगर पेशेंट एनीमा लेके आ रहा है, एनीमा लेने से उसका दस्त हो रहा है, देन यू थिंक ओपियम एंड सल्फर। When patient comes with purgative medicine, कई सालों से purgative medicine खा रहा हूं, purgative medicine के बिना हो ही नहीं रहा है, that is hydrastis and naxomica। ये दो medicine में से कोई भी select कर सकते हो according to symptoms, according to totality। और उसको एक दवाई दे रहे हो अगर काम नहीं कर रहे तो आप दवाई चेंज मत करना, अलग अलग पोटेंशियल में ट्राई करोगे, पहले लोअर पोटेंशियल स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे 210 mg तक जाओ। अगर आपका बीमारी ठीक है, सही है, सिम्टम सही है, तो मेडिसिन भी सही होगा, चेंज मत करना मेडिसिन, ठीक है। आपके दो ही टाइप के पेशेंट आएंगे, या तो बहुत पॉजिटिव मेडिसिन खा के एलोपैथी मेडिसिन खाने के बाद ही आता है, या तो एनिमा ले रहा है। दो ही पेशेंट हमारे पास पहले कोई नहीं आएगा, अगर एक दिन में कॉन्स्टिपेशन हुआ तो नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ तो सिर्फ हाइड्रास्टिस और नक्समोमिका से ही आप ठीक कर सकते हो, कि सारे पेशेंट पॉजिटिव खाने के बाद ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमको दूसरी मेडिसिन की आ जाएगी, वो देखते हैं क्या क्या है। और एक आ रहा है कि किसी का डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन है, अल्टरनेट विद डायरिया, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया, समझ में आया। कॉन्स्टिपेशन दो दिन ठीक रहता है, दो दिन डायरिया पतला दस्त होता है, दो दिन ठीक रहता है पतला दस्त होता है। तो कौन कौन से मेडिसिन आपको ध्यान में रखना है, सारा मेडिसिन डिटेल बताना डिफिकल्ट नहीं है इतना छोटा सा शॉर्ट वीडियो में। एमोनमियोल, एंटीमक्रोट, कार्डवस मेरेना, चेरिडोनियम, कोनियम, हेलीबोरस, इग्नेशिया, नक्समोमिका एंड पर्स्टिला, इतने ही मेडिसिन के अंदर काम करना है आपको। अगर अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया है तो ठीक है। और एक आता है कॉन्स्टिपेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, कॉन्स्टिपेशन ऑफ द चिल्ड्रेन में चार मेडिसिन के ऊपर काम करना है आपको, एल्यूमिना, हाइड्रास्टिस, मैग्नेशियामयूर और नक्समोमिका। ज्यादा मेडिसिन के ऊपर सोचना नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, रिपोर्टें देखने से ही कंफ्यूज हो जाओगे, 100 मेडिसिन 200 मेडिसिन का लिस्ट है, क्या करोगे आप। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, क्विक करना है, जल्दी पेशेंट रिस्पॉन्ड करना है, नहीं तो आप दूसरे पेशेंट को आप देख नहीं पाओगे। इसलिए ये चार मेडिसिन पर आपको महारथी हासिल करना पड़ेगा। अगर डब्बा का दूध पीता है, बाहर का मिल्क पाता है तो एल्यूमिना, हाइड्रास्टिस भी उसी तरह है, मैग्नीशियम भी कड़ा कड़ा होता है, बकरी का लेट जैसा होता है,
तो होता है उस टाइप का। इसलिए चारों मेडिसिन पढ़ करके पहले से आप रेडी रहो प्रैक्टिस करने के पहले, ठीक है। अब आता है पेशेंट, आता है ब्लीडिंग ऑफ एनस फ्रॉम द ड्राई स्टूल। होता है ना, स्टूल कड़ा होता है, ब्लड जाता है, मिलेगा ये केस। कंसीडर ओनली थ्री मेडिसिन, एल्यूमिना, मेजेरियम एंड नेट्रम्यूल। क्लियर हुआ पिक्चर? जब एनस से ब्लीडिंग हो रहा है, ड्राई स्टूल हो रहा है, देन यू थिंक द थ्री मेडिसिन ओनली। ये तीनों मेडिसिन के बढ़िया तो मेटेरियल ब्लीडिंग में पढ़ के रखना चाहिए। और कैसा पेशेंट आएगा? सॉफ्ट स्टूल पासेज विद डिफिकल्टी, स्टूल मेरा पतला जा रहा है, ठीक नॉर्मल जा रहा है लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, इस टाइप के पेशेंट आते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग मेडिसिन, एनरकार्डियम, हिपरसेल्फ, इग्नेशिया, नक्स वोमिका, सीपिया एंड सल्फर। ठीक है, समझ में आया ये ना? अब आ गया इन्फेक्चुअल अर्जिंग, कॉन्स्टिपेशन विद इन्फेक्चुअल अर्जिंग, एनरकार्डियम का पेशेंट को कैसा फील होगा? फेल्ट मोर इन रेक्टम एंड सीजेस वाइल लिटर। कॉन्स्टिपेशन में दस्त हो रहा है, जैसे बैठने जाता हूं दस्त नहीं होता है, ये सिम्टम देख लो। सेंसेशन है जाने से दस्त होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं कोमोड में बैठता हूं दस्त नहीं लगता, दैट इज एनरकार्डियम। याद रहेगा सबको, कॉस्टिकम और हिपरसल्फर। इनफेक्चुअल अर्जिंग ओइंग टू लैक ऑफ एक्सपेल्टिंग पावर। कॉस्टिकम एंड हिपरसल्फर दो मेडिसिन है, बैठा हूं स्टूल पर कोमोड पर, प्रेशर नहीं बन पा रहा है, एक्सपेल्शन स्टूल नहीं निकल पा रहा है, उसके अनुभूति सेंसेशन नहीं होना, ऑनली इन कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम कैसे पैरालाइज और न्यूरल सिस्टम भी है, सेंसेशन भी नहीं आएगा, तो इज हिपरसल्फर नहीं कॉस्टिकम। समझ गया कॉस्टिकम का हाजत नहीं होना, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। कोनियम ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फ्रीक्वेंट ऑलमोस्ट इनफेक्चुअल डिजायर हार्ड स्टूल फॉलोड बाय ट्रेमुलस वीकनेस। बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ में इनफेक्चुअल डिजायर हार्ड स्टूल होना, ये कोनियम का लक्षण है। नक्स वोमिका, अर्जिंग फेल्ट मोर इन द एब्डोमेन, पेट में अनुभूति बहुत जोर से होना, कॉन्टिन्यूस वाइल एट द एंड आफ्टर लिविंग स्टूल, स्टूल करने के बाद में भी उसे हाजत बना रहना, नक्स वोमिका इनफेक्चुअल कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर स्टूल, ठीक है, दैट इज नक्स वोमिका। साइलेशिया द अर्जिंग विदाउट रिजल्ट एंड हैज टू सीज ओइंग टू इरिटेबल कंडीशन ऑफ द स्पिंक्टर। अर्जिंग इज विदाउट रिजल्ट एंड हैज टू सीज ओइंग टू इरिटेबल कंडीशन ऑफ द स्पिंक्टर। सल्फर विद द इनफेक्चुअल अर्जिंग टू स्टूल द डिजायर इज फेल्ट इन द रेक्टम एंड इज ड्यू टू ड्राई इरिटेबल कंडीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम। ड्यू टू ड्राइनेस के कारण उसका इरिटेबिलिटी कंडीशन म्यूकस मेम्ब्रेन में और रेक्टम में देखा जाता है। अब आना है विद फीलिंग ऑफ लॉर्ड और प्लग इन द रेक्टम। पूरा फीलिंग है पेट में बहुत जोर से, लेकिन रेक्टम प्लग्ड है, बंद है, लगा है लेकिन मालूम पड़ता बंद है, दस्त हो गई नहीं। इसके लिए क्या है? एनरकार्डियम, प्लेटिना, सीपिया, सल्फर। सेंसेशन ऑफ प्लग इन द रेक्टम विच कैनॉट बी गॉटन राइट नाउ। एनरकार्डियम, प्लेटिना, सीपिया, सल्फर, ये चारों मेडिसिन पर आपको पहले पढ़ करके टोटलिटी पर काम करना है। सेकेंड मेडिसिन आता है काली बाइक्रोम। सेंसेशन ऑफ प्लग इन द एनस मेकिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट डाउन। इतना जो प्लग है मालूम पड़ेगा बंद है कि मैं बैठ नहीं पाऊंगा सीट पर, कोमोड पर बैठना असंभव है, दैट इज काली बाइक्रोम। एलोज द फीलिंग ऑफ हैवी प्रेशर इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एज यू प्लग इन द पेल्विस। उसके पूरे पेल्विस रीजन में प्लगिंग रहेगा, लोअर पार्ट ऑफ द
एब्डोमेन में ही प्लग है। अब आओ, अगर स्टूल ब्लैक हो रहा है किस पर सोचना है? ब्रैनिया, लेपेंड्रा, नक्सोनिका, प्लम्बम, वेंट्रम हेलियम। लार्ज एंड हार्ड, नोटी लंबा और हार्ड रहेगा तो ब्रैनिया, ग्रेफाइटिस, कालिका, मेजेरियम, प्लेटना, सालिशिया, वेंट्रम हेलियम। स्मॉल एंड सिप डन, छोटा छोटा गोल गोल दाने की तरह। एल्यूमिना, कालिकार्ब, मैग्नीशिया कार्ब, नेट्रम कार्ब, नेट्रम्यूर, ओपियम एंड प्लम्बम को पढ़ना है। अब स्टूल विद कवर्ड विद म्यूकस, बोलेगा म्यूकस से कवर होके आ रहा है, एक अलग टाइप का लक्षण है, तो आपको क्या सोचना है? एल्यूमिना, ऑरम म्यूर, एमोन म्यूर, ग्रेफाइटिस, हाइड्रेस्टिस, मैग्नीशिया म्यूर, नाइट्रिक एसिड एंड ओपियम। क्लियर हुआ ये? इधर उधर भड़क करके हम नर्मार्शल और नक्सोमिका पर चले जाते हैं, तो देन यू थिंक एमोन म्यूर, ग्रेफाइटिस, हाइड्रेस्टिस, मैग्नीशिया म्यूर, नाइट्रिक एसिड एंड ओपियम का रहना है अगर कवर्ड विथ म्यूकस है तो। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.